केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी डायरेक्टर का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है। कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है। संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले मई में वे 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार नवंबर 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC अधिनियम के साथ साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान DSPE अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाई थी। इसके तहत CBI और ED चीफ को 1-1 साल के 3 सेवा विस्तार देने का प्रावधान है। बाद में यह संसद में भी पारित हो गया। इसके बाद नवंबर 2021 में ही संजय मिश्रा को दूसरी बार 1 साल के लिए सेवा विस्तार मिला था। इसके बाद नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने तीसरी बार संजय कुमार मिश्रा को 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। इसके मुताबिक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 को खत्म होना था, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन के आदेश को रद्द कर दिया। ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र का जवाब मांगा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में पारित आदेश को वापस लेने की केंद्र की अर्जी पर सवाल उठाया था। इस आदेश में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 16 नवंबर 2021 से आगे बढ़ाने से रोक दिया गया था। अदालत ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार को कहा था कि बाद में विधायी परिवर्तन पहले के फैसले या आदेश को वापस लेने या संशोधित करने का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान भी आया। वह बोले कि मेरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा ईडी डायरेक्टर को लगातार दिए गए सेवा विस्तार को पूरी तरह अवैध ठहराया है। सुरजेवाला ने आगे लिखा, विपक्ष के जरिए लगातार उठती जनता की आवाज को दबाने, राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने और विपक्ष के नेताओं को डरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए मोदी सरकार जांच एजेंसियों को कैसे बीजेपी के फ्रंटल इकाई की तरह इस्तेमाल करती आ रही है, ये पूरा देश देख रहा है।